अरे हाय अक्षय। अरे हाय अंकित। अरे एडीएमएलटी को एडमिशन हो गई ना मेरी। अरे कांग्रेचुलेशन भाई। अरे यार मैंने इसमें एडमिशन तो ले ली, अब मेरे को इसके बारे में जानकारी तो दे। अरे कोई बात है क्या तेरे लिए? मैं तेरे को आज पूरी जानकारी दे देता हूँ मशीन की थोड़ी थी। अरे ये कौन सी मशीन है? ये UPT3A है और गेन इसमें कोरोना से रिलेटेड टेस्ट होती। इसमें IL-6, PCT, डी डाइमर और इसमें थायराइड भी हो सकता। अरे ये कौन सी मशीन है? इसमें डी डाइमर, फेरिटिन, HbA1c ये सभी टेस्ट हो सकते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसमें। अरे ये माइक्रोस्कोप तो अपने कॉलेज में भी था ना? अरे कॉलेज में जो यूज करते हैं वो स्टूडेंट माइक्रोस्कोप है। इसे कहते हैं बायनोकुलर माइक्रोस्कोप। ये लैब में यूज होता। इसका विजन 2000 है। अब ये कौन सी मशीन है? इसे इलेक्ट्रोलाइट मशीन कहते हैं। इसे इसमें अपन सोडियम पोटेशियम आयोनिक कैल्शियम ये सभी टेस्ट कर सकते। ये तो हो गई सोडियम पोटेशियम। अभी इधर ये तेरे को बता था, ये है बायोकेमिस्ट्री मशीन दोनों भी। इसमें अपन यूरिया क्रिएट OTPT और इसमें यूरिया क्रिएट OTPT लिक वगैरह ऐसी सभी टेस्ट अपन कर सकते। इसमें लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन ये सभी टेस्ट जो रिलेटेड है बायोकेमिस्ट्री से वो सभी कर सकते हैं अपन। ये दोनों मशीन में मतलब सेम है, इसमें अपन सभी टेस्ट कर सकते। अरे ये घूमने वाला क्या है अब? अरे इसे रोलर मिक्सर कहते हैं। इसमें ब्लड अच्छे से मिक्स होता। देख अभी कैसे ब्लड अच्छे से मिक्स हो रहा, दिख रहा? अब इसमें क्या होता है? इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब CBC ये पूरा होता है। इसमें देख WBC, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन ये सभी चीजें इसमें दिखती है, काउंट होता है। अरे यार ये मटके जैसा क्या है? अरे ये मटका नहीं है, ये तो बहुत काम की चीज है। लैब का आधा पार्ट तो वही है, मशीन की जान है ये, लैब की जान है ये। रुक मैं तुझे प्रैक्टिकली करके दिखाता ये। देख इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड नीचे रहता और सीरम ऊपर आता। इसमें अपन टेस्ट लगा सकते वो सीरम को। वो सीरम में अपने को इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। देख अभी ये पेशेंट का लिया हुआ सैंपल था, इसमें प्लाज्मा नीचे रहता और सीरम ऊपर आता। जबकि अपन वो जो सेंट्रीफ्यूज है उसमें डालने के बाद ये ऐसा सीरम आता ऊपर। और इसमें से अपन सीरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सभी टेस्ट लगा सकते। दोस्तों तो आपको हमारे पार्ट टू जो है ADMLT का कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और भी हम नए नए टेस्ट आपको बताने वाले हैं। ये तो पार्ट टू है, इसके बाद भी हम पार्ट थ्री वगैरह निकालेंगे। उसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।